लोगों ने यहाँ चल चल के रास्ता बना दिया है और ऊपर एक म्यूजियम भी है। म्यूजियम में जाने का पैसा है लेकिन शायद जहाज़ों के पास घूमने का पैसा नहीं है। तो आई होप चलते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और अगर आपको अराल सी अभी देखना है, मतलब जो इधर पानी था वो अब देखना है, तो 120 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अब वहाँ जाके अराल सी देखो, इतना पानी दूर चला गया। हाँ हाय रेगिस्तान, गर्मी। तो भाई ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं वहाँ ऊपर। म्यूज़ियम आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा, खाली हिस्ट्री लिखी है। और यहाँ पे आपको कुछ जहाज़ दिखाई देने लग रहे होंगे। एक जहाज ये धीरे धीरे रेत से भरता हुआ, रेत इसके चारों ओर घूमती हुई छोटी जहाज है ये। उसके आगे दूसरा जहाज है और तीसरा, चौथा, पाँचवा जहाज, ऐसे कुल मिला के 5 जहाज हैं। कठोर तपती हुई धूप और हम पहुंच गए यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाज पड़े हुए हैं, बिल्कुल कबर बन गए। देख लो भाई, इनके तो हालत देखो भाई, बड़ी जर्जर हो चुकी है। इनके चारों ओर घूमने के लिए सड़क भी बना दी है लेकिन हमें नहीं चाहिए सड़क। वाह भाई, इनके सारे माल मत सरकार निकाल के ले गए हैं लोग। हाँ। देखो भाई ये सीन बन गया। अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि जहाज यहाँ खड़े है पानी कहाँ तक होता था। वो देखो सामने जो बड़ी सी चट्टान दिख रही है पहाड़ जैसा, उतना ऊपर तक पानी हुआ करता था भाई। और अब जहाज यहाँ पे पड़े हुए हैं, देख लो कितना पीछे हट गया पानी, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर चला गया जहाज़ों के ऊपर। और यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे ये भाई साहब मिले जो नुकुस से हैं, और ये गाड़ी लेके इधर आए हैं। और हम लोग जहाज़ के ऊपर खड़े हैं, देखो ये बड़ा सा जहाज़ कब्रिस्तान बन गया है। और ये भाई साहब फ्रांस, इटली से, जापान से, ऐसे ही हैं। इधर देखो बहुत बड़े बड़े जहाज़ काफ़ी पड़े हुए यहाँ पे, तो सबकी हालत वही है, मैंने आपको पहले भी बताया वही सीन है। और दूसरे इस तरफ जहाज़ नहीं है, ये जहाज़ मुझे लगता है घसीट घसीट के इधर ला के खड़े किए होंगे। पहले जब पानी वगैरह था तब इन्होंने पार्क किया था और उसके बाद पानी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी हम चलते थोड़ा आगे, दूसरे जहाज़ों को देखते हैं। और म्यूज़ियम तो यहाँ पर है, ये जहाज़ और कुछ जहाज़ दिखा देते, छोटे छोटे। ये सारे जहाज़ पहले मछलियाँ पकड़ते थे, यहाँ ऑयल सप्लाई करते थे इधर से उधर। 1668,000 स्क्वायर किलोमीटर में अगर फैला है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ संभावनाएं थी कि यहाँ पे बिजनेस वगैरह की, और तो लोग करते होंगे। आज से कितने साल पहले भाई, 1960 की बात है, तो करीबन 60 साल हो गए। उस ज़माने में ऐसे बढ़िया बढ़िया जहाज बना रखे थे इन लोगों ने। ये देखो सीढ़ियाँ लगा रखी है, उस जहाज के अंदर चलते हैं। ओह शिट, लेकिन अच्छी बात ये है ना, यहाँ आसपास अभी कोई प्लास्टिक वगैरह कचरा नहीं है ज़्यादा, है ना, क्लीन है, नीट एंड क्लीन, तो ये अच्छी बात है। जब अफगानिस्तान गए थे तो टैंकों के अंदर घुस रहे थे, और यहाँ बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर घुस रहे हैं। ये देखो कड़िया बढ़िया बढ़िया चीज़ बना रखी इन्होंने जहाज़ पार्क के लिए। ओह भाई साहब क्या बात, ये तो कोई पॉन्टून जैसा लग रहा है। ओ ये ऑयल टैंकर होगा, देखो इसके अंदर कितना बड़ा बड़ा सा पाइप लगा हुआ है, ये शायद पाइप पानी वगैरह सप्लाई करता होगा। ये देखो इधर जॉइंट करने का कुछ सीन था, तो ये ऑयल टैंकर हो सकता है। ये भी कुछ ऐसा ही है, सब अलग अलग प्रकार के जहाज पड़े हुए। ये लकड़ियाँ देखो हैं, क्या चीज़ बनाई थी उन लोगों ने, सोवियत वालों ने, लेकिन वो सब धरी की धरी रह गई। इसका मालिक कौन था, कहाँ विलुप्त हो गया, कोई नहीं जानता। ये देखो है ना अद्भुत चीज़, ये जहाज़ तो भाई काफ़ी बड़ा, फिर से उसका प्रोपेलर लगा हुआ है। एक जहाज़ पे चढ़ रहा हूँ, दूसरे से कूद रहा हूँ। और ये जहाज़ के ऊपर तो ट्रक जैसा सीन दिखाई दे रहा है, रेलवे का इंजन जैसा कुछ।
ओह माय गॉड, इट्स वेरी हॉट। ये देखो, इस जहाज़ की बात करें तो इसमें प्रोपेलर लगा हुआ है अभी भी, बहुत शानदार, बहुत मजबूत लोहे का। और अंदर से सीन कुछ ऐसा है, बड़ा सा हुक भी दिखाई दे रहा है यार। हाँ वाह, ये देखो क्या जबरदस्त चीज़ बना रखी है। और ये लास्ट जहाज़ है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब भाई साहब क्या बताएं आपको यार, लोग इसके अंदर घुस के फोटोग्राफी करवा रहे हैं, मतलब काट खाया हुआ लोहा कहीं लग गया है ना भाई, तो धनुष होने की पूरी संभावना है। तो भाई अब इन कब्रगाह को गुड बाय कहने का समय आ गया है, और मुझे लगता है कि सदियों तक लोग आते रहेंगे और उनको देखते रहेंगे, आपके पोते बेटे पड़पोते, जब तक ये लोह पूरा गल के भस्म नहीं हो जाता। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रहेगा और लोग आते रहेंगे, इस हिस्ट्री को पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों के मचाई हुई तबाही सदियों तक मिटती नहीं है, और उसका फल उनको ज़रूर भोगना पड़ता है, ठीक है। और आई होप कि ये सारी चीज़ें देख करके आपको थोड़ी बहुत कुछ अनुभूति हुई होगी, इस चीज़ के बारे में समझा होगा। 68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए एक विशाल समुंदर को लोगों की वजह से सूखना पड़ा, और हजारों लाखों जीव ऐसे ही मारे गए, विलुप्त हो गए। रेगिस्तान कब्रिस्तान यहाँ से दिखाई देता है, तब आपको असली पता चलेगा कि यहाँ पे असल हुआ क्या था। एक वहाँ पे जहाज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, मुझे धूप है तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, शायद यहाँ पे उधर पड़े हैं दो बड़े जहाज़, दो क्या तीन हैं ऑलमोस्ट। और इधर तो भाई लाइन लगी हुई है। आपके समझने के लिए बता दूं, 1960 में अराल सी कितना विशाल था, और अब देखो आपको क्या बताता हूँ। देखो इसके दूसरी तरफ जाओ तो अब आपको पता चलेगा कि अराल सी अब कितना बचा हुआ है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, अब बस इतना ही बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो गया, अराल सी प्रेजेंट डे। तो ये है, ये देखो अभी 2016 में इतना ही बचा है, उसके पहले 2006 में इतना था, 1999 में इतना था, 87 में इतना था, 73 में इतना था, 1960 में पूरा भरा था, और सारा ख़त्म हो गया पूरा। ये इसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। मिलियन टन सॉल्ट एंड सैंड, आर्टिफिशियल सॉल्ट एंड सैंड अपीयर बिकॉज ऑफ सॉल्ट सैंड स्ट्रॉम थ्रू आउट द एटमोसफियर अप टू 75 to 80 million tons ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। ये देखो मैं बता रहा ना, तूफान के रूप में 75 to 80 million tons सॉल्ट एंड सैंड हवा में उड़ जाता है। तो देख लीजिए भाई क्या चीज़ हो गई, क्या चीज़ होगी आगे चल के। तो आपने हिस्ट्री पढ़ा, आपको पता चला होगा कि जितना जंगल था उसका 10 times जंगल कम हो गया, और जीव जंतुओं की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वैरायटी थी, वो भी सारी विलुप्त हो गई। 75 to 80 million tons समुंदर का जो सॉल्ट और धूल मिट्टी गुबार हवा में उड़ जाता है, वो यहाँ के आसपास के लोगों के जहर बन करके अंदर जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है। तो अब जल्दी से चलते हैं, हमारी बस ना निकल जाए इसलिए भागते हैं, और इसको कहते हैं गुड बाय। आपको इस म्यूज़ियम के अंदर जाने का टिकट लेना पड़ेगा, बाकी आप आस पास घूम सकते हो, कोई टिकट नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो टैक्सी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पैदल हम चलेंगे शहर के अंदर। तो भाई साहब अब हम वापस ऑप्टो बस पे आ चुके हैं, वक्जाल नहीं है ऑप्टो बस कहते हैं, यानी कि बस टर्मिनल। ये वाला पानी ले लिया, कुछ बीज ले लिया खाने के लिए, बस अब बस में जाके बैठ जाते हैं, आधे घंटे बाद बस निकलेगी। टैक्सी भी तैयार पड़ी है, 2 lakh rupees दो तो आप ये ले जाइए, 2 lakh का मतलब 1,000 का 7 rupees, तो 100 200
200 × 7 कर लो, 7 × 2 = 14, 1500 रुपये में आपको 200 किलोमीटर तक छोड़ देगा। तो ठीक ही है कुल मिला के, लेकिन ये ठीक है ना यार, कितना 20,000 लेगा, 20 × 7 कर दो, 7 × 2 = 14, 140 रुपया, और वो 1400, 10 गुना ज़्यादा है। तो ये बेटर है यार, 4 घंटे में धीरे धीरे चलते चलते चले जाएंगे, और बस रेडी है। काफ़ी मज़ा आया, यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली है और अच्छा लगा इनसे मिलके। अब हम चलते हैं इस बस में, तो बस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये नुकुस लिखा है शायद, नुकुस इधर की भाषा में। जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं आके 6:30 बजे ख़त्म हुआ। ये भाई के साथ गए थे और वापस ये भाई के साथ ही आए थे। ओके, थैंक यू बाय, चलते हैं अब, गुड बाय। ये सफ़र आपको समझ में आ गया होगा कैसा रहा, क्या नहीं हुआ, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। ये बस लेती है 20,000 रुपये, 20,000 मतलब वही 150 रुपये के आसपास।